इजलास के अंदर डिस्कस की गई, उसमें हमारे इलाका से बहुत सारे ऐसे वो मकानात के जो जेन्युइन हैं, जिन लोगों को वो मकानात मिलने चाहिए थे, वाकई मुस्तहिक थे, उनके मकानात न जाने किस वजह से डिलीट कर दिए गए हैं। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश है कि उन लोगों के मकानात जो हैं दोबारा उस लिस्ट के अंदर जो है वो डलवाए जाएं, ताकि उन मुस्तहिक लोगों के साथ इंसाफ किया जा सके। इसके साथ साथ हमारे इलाका से बहुत सारे ऐसे जॉब कार्ड जो कि जेन्युइन थे, जिन लोगों की फॉर्मेलिटीज़ के अंदर कोई कमी भी नहीं थी, ना जाने किस वजह से और किस साजिश की वजह से जो है उनको डिलीट किया गया है। हम उसकी इंक्वायरी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया इंक्वायरी बिठाए कि किस आदमी ने उन गरीब लोगों का नुकसान किया है। इसके साथ साथ हमारी जो यहाँ पर बहुत सारे दिगर मसाइल के हमारे जो काम चल रहे हैं, जो रोड के काम चल रहे हैं, जो टेंडरिंग हुई है, वो काम जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। जितने हमारे इस इलाका के अंदर हैंडपम्प हमने रखे हैं, वो हैंडपम्प जल्द से जल्द जो है वो एजेंसी के ज़रिए से, क्योंकि उसकी टेंडरिंग हो चुकी है, एजेंसी को फाल बनाया जाए और इलाका के अंदर जो है वो जल्द काम मुकम्मल किए जाए। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे ना कोई कारोबार है, ना कोई दिगर ज़राए हैं, यहाँ तक कि खुश्क साली की वजह से जो है वो इलाके के अंदर जो लोग फसल नहीं बो पाए, और मुसलसल इस खुश्क साली के बाद जो बारिशें हुई और बर्फबारी की वजह से आज जो है वो वक्त चला गया, ना माल मवेशी के लिए लोग जो है कनक बो पाए, ना दीगर ज़राए से कोई जो है वो लोग अपने अशिया खुर्दनी का अहतमाम कर पाए हैं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है और मरकज़ी सरकार से गुजारिश है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र करें कि अगर आप लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो इलाके के लोग जो हैं वो इस वक्त सख्ता के आलम में है कि उनकी रोजी रोटी का अहतमाम कैसे होगा। इलाके के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पे रिलीफ पैकेज का जो है वो मरकजी सरकार ऐलान करे, क्योंकि यालाबारी और बर्फबारी की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं, इस वजह से लोगों को खाने के लाले पड़े हैं और जो मकानात बह गए हैं, जो इलाके के अंदर जितने भी काम किए थे या रोड़े बह गई हैं, उनको दोबारा फाल बनाने के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो इकदाम करे। मेरा ये मुतालबा है पंचायत मुरी गुरसाई और जितने भी मुलहक्का पंचायतें हैं उनके जो है वो तवसल से मैं ये बात गवर्नमेंट तक दोबारा गुजारिश करते हुए कि बड़े पैमाने पे आवाम को जो है वो रिलीफ दी जाए, ताकि आवाम जो है उसका एतमाद गवर्नमेंट के ऊपर बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया।